जय हिंद। नमस्कार साथियों, साथियों आज का हमारा वीडियो स्पेशली युद्ध के नियमों पर है, क्योंकि इस समय विश्व में कई देशों के मध्य युद्ध छिड़ गया है। कई देशों का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारा बेड़ा किसी एक देश के साथ है, बहुत सारा बेड़ा किसी दूसरे देश के साथ स्टैंड ले रहा है। जैसे आपने देखा होगा इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, वो अभी भी जारी है। लेकिन इन दोनों युद्ध में कुछ अंतर है, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा था उसमें नागरिकों का या जो आम नागरिक है, चाहे किसी भी देश के, चाहे यूक्रेन के हो चाहे रूस के हो, उनको क्षति बहुत कम पहुंची है। लेकिन जो हमास और इसराइल के बीच में युद्ध हुआ है, इसकी तो शुरुआत ही आम नागरिकों से हुई है, क्योंकि हमास ने जब इसराइल पर अटैक किया था, जिसको हमास में से तो आप सभी को पता है एक आतंकवादी संगठन है, जिसको विश्व ने यूएनओ ने स्पेशली आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, जो कि फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई कर रहा है अभी इस युद्ध में। और इसने जो शुरुआत की थी वही नरसंहार से की थी, और युद्ध के शुरुआत में ही इसने नियम तोड़ दिए। वैसे जब भी किन्हीं दो देशों के मध्य युद्ध होता है तो उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिनके आधार पर ही युद्ध लड़ा जाता है। अगर कोई भी देश और युद्ध के जो नियम है अगर उनको तोड़ता है तो फिर उसके साथ में क्या होता है, इसके लिए कोर्ट भी बनाया गया है, इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। क्या पूरा विश्व उसके खिलाफ जंग छेड़ देता है? आपने देखा होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, यानी बहुत सारे लोगों की जान गई थी, यहां तक कि परमाणु बम भी दागे गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, अमेरिका की तरफ से इस पर परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया। और आज भी वहां पर उजड़ हो रखा है, मतलब आज भी वहां पर जीवन संभव नहीं है। आज विश्व में लगभग 13,000 से ज्यादा परमाणु बम एक्टिव है, जिसमें से सबसे ज्यादा 5,000 से प्लस परमाणु हथियार मात्र अमेरिका के पास में, दूसरे नंबर पर है रूस और तीसरे नंबर पर है चीन। अगर इनके पूरे परमाणु हथियार मिलाए जाए तो लगभग 9 से 10 हजार हथियार है जो इन दो तीन देशों के पास में ही है। इसके बाद में अगर हम भारत की बात करें, लगभग 160 के आसपास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसके पास में काउंटिंग के हिसाब से 170 परमाणु हथियार है, ठीक है। तो परमाणु हथियारों का भी तो प्रयोग हो सकता है। तो युद्ध के जो नियम होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, स्पेशली आपने जब इसराइल और हमास वाला जो युद्ध देखा है, इसमें युद्ध का कोई भी नियम काम में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, अब आपको जानना जरूरी है कि युद्ध के क्या नियम होते हैं, किस हिसाब से कोई देश युद्ध लड़ सकता है, और अगर वो उस हिसाब से नहीं लड़ता है फिर उसके साथ क्या होता है। युद्ध के जो नियम बनाए गए थे वो बनाए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब 1939 से लेकर 45 के बीच में जब युद्ध लड़ा गया था विश्व स्तर पर, यानी उसके बाद में यूरोप में कई नए देशों का जो नए देश है वो पनपे थे। जब ये युद्ध लड़ा गया था इसमें लगभग ऐसा बताया जा रहा कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। जब उनकी संख्या देखी, उस नरसंहार को देखा, तब ये डिसाइड किया कि युद्ध लड़ने की भी तो कुछ ना कुछ सीमा तो होनी ही चाहिए, नहीं तो ये नरसंहार बढ़ता जाएगा। उस समय युद्ध के कुछ नियम बने, आपको ये नियम जानना बहुत जरूरी है। देखो 1949 में बने युद्ध नियम, 1939 से 1945 से दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, इसमें भयंकर तबाही मची, 5.5 करोड़ लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। इसी विश्व युद्ध में पहली बार परमाणु बम का भी प्रयोग किया गया, आपको पता सभी को, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। युद्ध लड़ने के लिए भी नियम होते हैं। 1949 में जिनेवा, कौन सी जगह है जिनेवा, कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा में ये नियम बनाए गए, इसमें कुल कितने नियम है, 161 नियम है, जिसमें हमला कहां करना है और कहां नहीं करना ये नियम भी दर्शाया गया है। जिनेवा में सभी में यह तय हुआ कि कोई भी लड़ाई कैसी भी लड़ी जाए, जंग में किन्हें मारा जा सकता है और किसे नहीं, किसे टारगेट किया जा सकता है और किसे नहीं। ध्यान रखना जो भी युद्ध के नियम होते हैं, जो ये युद्धों के नियम है, ये किस पे लागू होते हैं, दो राष्ट्र पर। तो अभी जो इसराइल और युद्ध के हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा ना, इसमें जो युद्ध के नियम है वो तोड़ दिए गए हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन उसके पीछे एक रीजन है, भाई किसने तोड़े, फिलिस्तीन ने, लेकिन फिलिस्तीन देश नहीं लड़ रहा है, यहां पर सिर्फ हमास लड़ रहा है जो कि कोई राष्ट्र नहीं है, इसीलिए वो युद्ध नियमों की पालना नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो पहले से ही उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, वो कोई देश थोड़ा ना हमास। अगर ये फिलिस्तीन होता तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता, तो जो हमास लड़ रहा है वो तो पहले से ही अपराध की श्रेणी में, आतंकवादी तो पहले से ही अपराधी है, तो वो लड़ रहा है। इन्हें लॉ ऑफ वार भी कहते हैं। इसमें कुल 161 नियम है और 196 देशों ने मान्यता दी है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। कितने देशों ने, ध्यान रखना ये काम की चीज है, कितने देशों ने, 196 देशों ने। ये तब लागू हुआ
जब लड़ाई दो देशों के बीच, कब लागू होगा? जब दो देशों के बीच हो। लड़ाई एक ही देश के अंदर होगी तो ये नियम लागू नहीं होंगे, भले किसी भी देश के अंदर शस्त्र विद्रोह चलता है, जैसे हमारे देश में भी चलता है शस्त्र विद्रोह। पता तुमको कहां पर? नक्सलाइड। अरे नक्सली क्या करते हैं? शस्त्र विद्रोह तो करते हैं, सरकार को बंदूक के दम पर झुकाने की कोशिश करते हैं, वो क्या नक्सल विद्रोह है, तो उसमें ये नियम लागू नहीं होते हैं। ये नियम उनके लिए बनाए गए हैं जो जंग नहीं लड़ते या ऐसी स्थिति में नहीं है। कहां हमला कर सकते हैं और कहां नहीं, देखो नियमों में साफ लिखा गया कि जंग के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हमास ने तो शुरुआत में ही इजराइल के आम लोगों को निशाना बनाया था, ठीक है। लेकिन हमास कोई देश ही नहीं है, वो एक पहले से ही आतंकवादी संगठन घोषित हो चुका है, इसीलिए उसको युद्ध नियमों से कोई लेना देना नहीं। भाई अपराधी को क्या अपराध, कोई मर्डर कर दिया, अब वो एक रेड चार अपराधी तो हो गया, वही हमास कर रहा है। रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूल, कॉलेज और घरों को निशाना नहीं बना सकते, यानी अभी आपने रूस और यूक्रेन वाला देखा था युद्ध, उसमें रूस जहां पे भी मिसाइल गिरा रहा था वो यूक्रेन का आर्मी का जगह है या आर्मी के लोग वहां रह रहे हैं, यानी आर्मी जो कैंप हो उनको निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन आम नागरिकों को नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ये बेसिक चीजें, जब दो देश लड़ते हैं तो वहां कुछ तो कैजुअलिटी होती है, आम नागरिकों की भी होती है। मान के चलो यहां कोई सैनिक संगठन रह रहा है और उसके पास में ही कोई आम बस्ती में लोग रह जाते हैं अल्टीमेटम देने के बाद में, तो उनका नुकसान हो जाता है, तो वो तो एक नॉर्मल सा नुकसान है जो हो सकता है। अस्पतालों और मेडिकल यूनिट पर भी हमला नहीं किया जा सकता। इन सब अरे छोड़ना, इस सब के अलावा ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहर पर भी अटैक करना मना है। आम नागरिकों के लिए बनाए गए शेल्टर पर भी हमला नहीं कर सकते। जो आम नागरिकों के लिए शेल्टर बनाए जाते हैं ना, उन पर भी हमला नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा जगह है जहां पर आम नागरिक रह सकते हैं, जैसे सरकारी स्कूलें होते हैं, युद्ध के दौरान क्या होते हैं, सरकारी स्कूलें, अस्पताल, इनमें कौन रहते हैं? आम नागरिक रहते हैं, तो उनको हमला उन पर नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हमला करने से पहले चेतावनी देना जरूरी है। बिना चेतावनी दिए कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाफ जंग शुरू नहीं कर सकता। आपने मीडिया में देखा होगा एक सायरन बजता बूं बूं करके, यानी अगर जैसे अभी इजराइल ने क्या किया, गाजा पट्टी पर जब अटैक किया तो उसने बोला कि जो उत्तरी गाजा पट्टी है इसको खाली कर दो, और वहां पर पिछले 10 दिन से एक हुटर बजा रहा है, यानी उसको चेतावनी देनी होगी कि हम इस जगह अटैक करेंगे, आप यहां से जल्दी से खाली हो जाओ। अगर वो चेतावनी नहीं देता और सीधा अटैक कर देता है तो वो भी किसकी श्रेणी में आता है? अपराध की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, जंग से प्रभावित इलाकों से आम नागरिकों को निकालने की जिम्मेदारी भी देश की होती है। अगर मान के चलो कोई भी ऐसा देश है, उसके अगर दूसरे विपक्ष के देश के भी अगर नागरिक वहां फंस जाते हैं तो उसको भी उनको निकालना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई बीमार भी हो जाता है, मान के चलो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ और पाकिस्तान के नागरिक भारत के पास में फंस गए, अगर इनमें से कोई बीमार भी हो जाएगा तो उसका इलाज भी भारतीय सेना को कराना पड़ेगा, और इनको निकालने की जिम्मेदारी भी किसकी है? भारतीय सेना की है। ये युद्ध नियम है, किसी भी सैनिक को बंदी बनाकर और उस पर भी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते, आगे लिखा हुआ मिलेगा। आम नागरिकों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उन्हें निकलने से कोई नहीं रोक सकता। शील्ड के तौर पर कैसे? अभी जैसे इजराइल के जो आम नागरिक है उनको हमास ने क्या किया है, किडनैप कर लिया है और बंदी बना लिया है, और वो उनको बार बार चेतावनी दे रहा है कि या तो आप युद्ध रोक दो, नहीं तो तुम्हारे जो नागरिक है लगभग 200 हमारे कब्जे में, उनका हम नरसंहार कर देंगे, यानी उनको बहुत बुरी मौत मारेंगे, जिसमें से अभी 2 नागरिक जो कि अमेरिका के थे उनको क्या किया, छोड़ दिया है। अभी 2 नागरिक थे अमेरिका के, एक मां और बेटी, उनको तो छोड़ दिया है, लेकिन इजराइल के नागरिकों को नहीं छोड़ा है। लेकिन युद्ध नियमों के अनुसार यह चीज गलत है, इसीलिए सब हमास को क्या कर रहे हैं, आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं, जबकि ऐसा काम इजराइल नहीं कर रहा। इजराइल थोड़ा ना कर रहा है कि भाई हम हमास के या फिलिस्तीन के लोगों को किडनैप कर रहे हैं, इजराइल तो नहीं कर रहा उनके लोगों को किडनैप, क्यों? क्योंकि वो एक राष्ट्र है, वो ऐसा नहीं कर सकता। युद्ध के दौरान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना गलत नहीं होगा। युद्ध के दौरान सैन्य ठिकानों का निशाना बनाना गलत नहीं होगा। जंग के दौरान अगर दुश्मन देश का सैनिक सरेंडर कर रहा है तो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता। अगर कोई जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, मैं बता रहा था ना कब हुआ था, 1971 का जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, इस युद्ध में पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने सरेंडर किया था? 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। कितने ने? 93,000 सैनिकों। उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी, और जब तक शिमला समझौता नहीं हुआ तब तक
इनकी अच्छे से देखभाल की गई थी, इन्होंने सरेंडर किया था, लेकिन भारतीय सेना ने इनको मार थोड़ा ना दिया, इन सबको छोड़ा था वापस, इनकी सबकी वतन वापसी हुई थी। और अभी अभी भारतीय जो वायुसेना का सैनिक था, जो फाइटर विमान का चालक अभिनंदन, वो पाकिस्तान में गिर गया था, समझ गए, तो पाकिस्तान ने उसको वापस छोड़ा है। ये नियम होते हैं, अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो उस पर मुकदमा चलता, और मुकदमा किस पर चलता है, देश पर नहीं चलता है, व्यक्ति पर चलता है। उस समय देश का प्रमुख कौन है, उस व्यक्ति पर चलता है। देश पर क्या, देश को क्या सजा देंगे, उस समय प्रमुख कौन है, चाहे सेना प्रमुख की जिम्मेदारी लो या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लो, उनमें से किसी एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर युद्ध बंदी बनाए जाते हैं तो उनके साथ भी मानवीय व्यवहार करना होगा। ये नहीं मान लो कोई युद्ध बंदी बना ले, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तानियों को इधर बंदी बना लिया या हिंदुस्तान के कुछ लोगों को उधर बंदी बना लिया, तो उनके साथ में मानवीय व्यवहार ही करना होगा। ये नहीं कि उनके साथ में टॉर्चर जैसा दिखाते हैं कि नमक लगाना, उनके शरीर को काटना करना, ऐसे करते हैं लोग युद्ध के दौरान क्रूरता, जैसे बांग्लादेश में की थी पाकिस्तान ने, ठीक है, लेकिन वो युद्ध अपराध है। अब अपराध थोड़ा बहुत तो करते रहते हैं लोग, युद्ध के दौरान फायदा उठा लेते हैं इन चीजों का। नियम तोड़े युद्ध अपराध माना जाएगा, अगर इन नियम को तोड़ते हैं तो क्या माना जाएगा, युद्ध अपराध माना जाएगा। इंटरनेशनल लॉ की चैप्टर 44, इंटरनेशनल लॉ की चैप्टर 44 में युद्ध अपराध का जिक्र किया गया है, युद्ध अपराध का जिक्र किया गया है। कोई भी देश इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसे युद्ध अपराध माना जाएगा। ऐसा होने पर उस देश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कहां पर है ये, अरे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर है, जिनेवा में मुकदमा चलाया जाता है। ये मुकदमा व्यक्तियों पर चलता है, किसी देश पर नहीं चलता, किस पर चलता है, ये व्यक्तियों पर चलते हैं। तो ये है युद्धों के नियम, इनकी पालना करना अनिवार्य होती है, चाहे कोई भी देशों के बीच में युद्ध हो, कितना ही बड़ा युद्ध हो, अगर उसमें अमानवीय व्यवहार होता है या नरसंहार होता है तो उसकी खिलाफत होती है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस होता है, और उस समय उसका प्रमुख देश कौन है उस पर भी यह कार्रवाई होती है। ऐसा कई बार होता है, जैसे अभी कईयों पे ऐसे ब्लेम लगते हैं लेकिन वो बाद में हट जाते हैं, ठीक है। युद्ध के दौरान कई जगह, जब जैसे अभी तुरंत एक हुआ इसराइल में, एक हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल का अटैक हुआ, और वो बताया गया कि इसराइल ने अटैक किया, लेकिन फिर बाद में इसराइल ने सबूत दिया कि ये अटैक हमने नहीं किया, हमास के ही लड़ाकों ने किया है, और उनका मिस फायर होकर कहां पड़ गया है, गाजा से फायर किया था, और कहां पड़ गया, गाजा में ही पड़ गया था, समझ गए। विश्व स्तर पर उसको घेरा गया इसराइल को कि आपने हॉस्पिटल पर अटैक कैसे किया, तो फिर उन्होंने प्रूफ दिया कि ये अटैक हमने नहीं किया है, ये अटैक किया हमास के लड़ाकों ने, और हमास के लड़ाकों ने क्या किया, जब फायर किया तो उनका क्या हुआ, मिस फायर हो गया, क्योंकि इनके पास में समृद्ध हथियार थोड़े ना, आतंकवादियों के पास में समृद्ध हथियार तो हो नहीं सकते, चाहे कोई कितनी भी मदद कर ले, इनके पास तो, और ना ही समृद्ध ट्रेनिंग होते हैं इनके पास में जो युद्ध में लड़ते हैं, इनके पास में अच्छी ट्रेनिंग किए हुए जवान थोड़े ना होते हैं, वो उल्टे पुलटे छोड़ देते हैं, वो गाजा से छूटा और गाजा में ही गिर गया। ऐसा कई बार हुआ उनके साथ में, लेकिन अभी जो गिरा वो हॉस्पिटल पे गिर गया, तो फिर इसराइल को ये सबूत देना पड़ा कि ये हमने नहीं छोड़ा हॉस्पिटल पे, ये किसने छोड़ा है, गाजा ने। और किसी भी देश में जैसे अगर मान लो यहां पर युद्ध चल रहा है ना, तो दूसरे देश को अल्टीमेटम देना पड़ेगा, हुटर बजाना पड़ेगा यहां ऊपर ड्रोन से या मिसाइल से, किसी भी माध्यम से, कि भाई अब यहां पर हम मिसाइल अटैक करने वाले हैं, यहां पर जो भी शरणार्थी है जल्दी से इसको खाली करो, और अगले 24 घंटे का या 36 घंटे का या 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें जैसे भारत के जवान शहीद हुए थे, लेकिन सिविल नागरिक नहीं मारे जाते, कोई 100 200 500 या 200 300 जिस प्रकार का युद्ध हो वैसी नॉर्मल क्षति तो आ जाती है, समझ गए बात को। अब मान लो जैसे यहां पर लड़ रहे हैं तो साइड में थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कोई पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर सकता, बाय मिस्टेक भी हो जाता है, उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। अभी पता है ना तुमको, भारत ने एक मिसाइल पाकिस्तान में छोड़ दी थी, हैं? पता है ना, प्रशिक्षण के दौरान, हाँ तो पाकिस्तान में चली गई, तो युद्ध छिड़ा तो नहीं फिर, क्योंकि उसमें फिर भारत ने तुरंत ही गलती मान ली कि भाई इस प्रकार से छोड़ दी थी, अब पाकिस्तान वालों को लग रहा है कि ये गलती से नहीं छोड़ दी है, ये आना चाह रहे इधर, ये अपना शक्ति बता रहे, पाकिस्तानी मीडिया उसको बहुत दिनों तक बताता रहा कि नहीं गलती से तो तुम नहीं छोड़ सकते, तुमने भाई कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की है, तुम जांच कर रहे थे कि हम कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि कितना बड़ा, आपको पता कितना बड़ी बात होती है, भाई इंडिया की मिसाइल उधर चली गई, तो अब उनके लिए हो गया कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा जो सिस्टम है वो क्या कर रहा था, मिसाइल आ गई देश के अंदर, लेकिन वो तो क्या खाली थी, उसमें बम नहीं था, बम होता तो लाहौर उड़ जाता, अभी लाहौर होता ही नहीं, तो वो वैसी मिस्टेक हो सकती है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है।
तो पाकिस्तान ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई भाई मिस्टेक हो गई, लेकिन उनकी मीडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वो बोल रहे कि ये प्रशिक्षण